नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। सावन की तीसरी सोमवारी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में है। सावन की तीसरी सोमवारी है, इसको लेकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है इस मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सुबह अहले सुबह 3 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए अशोक धाम मंदिर पहुंचे हैं। खास करके महिला श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। करने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीर दिखाइए, मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाइए। लखीसराय के SDM खुद यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सर सावन की तीसरी सोमवारी है सर, काफ़ी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है सुरक्षा? सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ सबसे पहले तो गर्भगृह और उसके बाहर भी CCTV कैमरा वगैरह लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को सुख सुविधा के लिए शेड वगैरह बनाए गए हैं। साथ ही साथ विधि व्यवस्था संधारित रहे इसके लिए पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी इत्यादि की प्रतिनियुक्ति की गई है और यहाँ पर जगह जगह पर कॉन्स्टेबल भी लगाए गए हैं। हेल्थ चेकअप के लिए जो है यहाँ हेल्थ शिविर भी लगाया गया है और लोग क्यू में ढंग से खड़े रहें, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं हो, इसके लिए क्यू की व्यवस्था की गई है। लखीसराय के SDM थे संजय कुमार, जो बता रहे थे कि जो सुरक्षा है वो व्यापक, श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। अरे, किशोर मधुकर हैं, स्थानीय यहाँ पर पत्रकार हैं, वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। राजकिशोर, सावन की तीसरी सोमवारी है, किस तरीके से आप सुबह से यहाँ पर हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये सावन की तीसरी सोमवारी और पहली और दूसरी सोमवारी की अपेक्षा तीसरी सोमवारी को बहुत भीड़ में वृद्धि है और अहले सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में जाके जलाभिषेक कर रहे हैं। और बात करें सुरक्षा की तो ASP सैयद इमरान मसूद खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं और पीछे साइड खुद ASP लाइन में श्रद्धालुओं को लगा रहे हैं और कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV से निगरानी की जा रही है, जगह जगह पे मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जगह जगह सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। तो सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा आपने, आपने सावन की पहली सोमवारी भी देखी, दूसरी सोमवारी भी देखी, आज तीसरी है, तो लोग श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ते जा रही है। देखिए, ये हर बार का ऐसा नियम है और हर बार आप देखेंगे जैसे जैसे सोमवारी आता है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये देवघर के तर्ज पर इस बार बनाया गया है ताकि जो भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उनको ज़्यादा दिक्कत न हो, इसके लिए पूरा ये बनाया गया। आप देख सकते हैं कि महिला श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, महिला श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कुल मिलाकर जो तैयारी है वो व्यापक लेवल पर है और काफ़ी संख्या में जो महिला श्रद्धालु हैं वो बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। अशोक धाम मंदिर का ये दक्षिणी गेट है और इसी गेट से जो श्रद्धालुओं की एंट्री है इसी गेट से होनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है और इसी जगह से, इसी गेट से जो श्रद्धालुओं की एंट्री है वो हो रही है। आप देख सकते हैं ये लंबा मार्केटिंग किया गया है और काफ़ी दूर तक जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लखीसराय के ASP सैयद इमरान मसूद खुद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। सर, सावन की तीसरी सोमवारी है सर, किस तरीके से आज यहाँ पे जो सोमवार में हम लोग देखे हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ रहती है उसी को देखते हुए आज भी हम लोगों ने प्रिपरेशन वैसे ही की थी। हमें उम्मीद थी कि बहुत भीड़ इस बार भी आएगी और आ भी रही है, तो हर जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और जहाँ जहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट था वहाँ वहाँ हो गया है और हम लोगों का यही प्रयास है कि जितना भीड़ आ रहा है, जितना श्रद्धालु आ रहा है वो अपने बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है गर्भगृह में जा करके जल अर्पण कर ले, यही हम लोगों का उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी सर, दूसरी सोमवारी और ये तीसरी सोमवारी, लगातार जो श्रद्धालुओं का भीड़ है वो बढ़ते जा रहा है। पहले के बाद दूसरे में बहुत भीड़ था, इस बार भी काफ़ी भीड़ है और हम लोग उसी के हिसाब से प्रिपेयर्ड भी हैं और अभी तक तो जो है वो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है और आगे उम्मीद है ऐसी चलेगा। तो ये लखीसराय के SP सैयद इमरान मसूद से, तो बता रहे थे कि सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर जो तैयारी की जानी चाहिए थी उसी हिसाब से तैयारी की गई है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है।
सावन की तीसरी सोमवारी पर लखीसराय के सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और आप देख सकते हैं महिला श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सबसे ज़्यादा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला श्रद्धालु जो है वो कतारबद्ध होकर बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए जो है ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पुरुष की जो लाइन है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है लेकिन जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो कतारबद्ध होकर बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए। हाँ हाँ पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ लखीसराय का सुप्रसिद्ध ये मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर है। जो व्यवस्था की गई है प्रशासन और मंदिर कमेटी के तरफ से वो काफी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ। बेगूसराय से यहाँ पर पहुँची है बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए प्रिया कुमारी। आप जो कह रही थी कि जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ और जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं? सावन की तीसरी सोमवारी, सावन की तीसरी सोमवारी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत हर्ष की बात है। जो भी मन मनोकामना, दो साल तो कोरोना टाइम था तो मंदिर नहीं खुला था सावन में, ये इस बार खुला। हाँ दो साल से कोरोना के साथ मंदिर था। प्रचार करना है। क्या नाम? क्या बोले? नाम क्या हुआ? नाम कुमारी नेहा, सजातपुर। सजातपुर हाँ, बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं, कष्ट करके सुजगढ़ा से आ रहे हैं। हाँ इधर चढ़कर सुजगढ़ा से। रोशनी कुमारी सोईता बाबा भोले पर जलाभिषेक कर। हाँ की तीसरी सोमवारी भीड़ तो बहुत ज्यादा दिख रही है, लाइन भी बहुत लगाया गया है। तो तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो महिलाओं की जो भीड़ है काफ़ी संख्या में अशोक धाम मंदिर में बाबा भोले पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रही है। अरे